अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहिन सुल्ताना। तो गाइस, आज की मौत वाटरिंग डिश है स्मोकी फिश फ्राई। ये अक्सर वेडिंग में बनती है हैदराबाद में, तो मैंने वो ही खाकर आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एज़ इट इज़ मैंने वैसे ही बनाया है, उम्मीद करती हूँ आप सबको बेहद पसंद आएंगी। और इसके साथ मैंने ये सॉफ्ट ड्रिंक भी रखा है, तो इतनी टेस्टी कि पूछिए ही मत। तो चलिए गाइस, इसकी रेसिपी जान लेते हैं, आप जान लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने ये दो पॉम्फ्लेट फिश लिया है, इस तरह से मैंने कट्स लगवा लिया था। तो इसे मैंने विनेगर और नमक के साथ 10 मिनट तक इसे पानी में रख दिया था। अब ये इसे इसके बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया इसे। अब इसमें ले रही हूँ एक फ्रेश एकदम से अदरक लहसुन, लीजिएगा बहुत सेम टू सेम वैसे ही बनेगी, एक टेबल स्पून भरकर। और नमक मैंने एक टेबल स्पून लिया है, मिर्च भी मैंने एक टेबल स्पून लिया है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक और मिर्च आपके स्वाद अनुसार लीजिएगा। बस चुटकी भर हल्दी डालेंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, नहीं तो पूरी फिश में हल्दी की स्मेल आएगी, फ्लेवर पूरा हल्दी का आएगा। तो अब ये है धनिया पाउडर और ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, तो ये भी हमने एक एक टेबल स्पून भर कर लिया है। और चाट पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर भी डालना है। और ये है फूड कलर, रेड फूड कलर मैंने लिया है 1 चुटकी, जो बुश्का आता है। अब इसमें हम डालेंगे ये एवरेस्ट का गरम मसाला, तो ये भी मैंने 1 टीस्पून भर कर लिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे 4 टेबल स्पून भर कर। अगर इसमें कम लगता है तो और भी ज़्यादा आप तेल डाल सकते हैं, इससे क्या होगा मछली में अच्छे से कोटिंग हो जाएगी मसाले की, और ये इधर उधर नहीं होगा। इतना यकीन मानिए कि गाइस इतनी टेस्टी बनी थी कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे ये शेयर करेंगे। और छोटी मोटी पार्टियां जो होती हैं आप उसमें ये ज़रूर इसे मेन्यू में शामिल कीजिए। अब इसमें जाएगा नींबू, नींबू एक चाहे तो आप आधा भी लीजिए, तो मैंने आधा नींबू का इस्तेमाल किया है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को, इस तरह से एकदम से चिकना बना देना है इन सारे मसालों को, इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने काली मिर्च भी ऐड किया है 1/2 टीस्पून पाउडर। तो चलिए अब इसे अच्छे से हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद हम बताते हैं आपको किस तरह से इसकी कोटिंग होगी फिश के ऊपर। तो अब हथेली थोड़ा सा आप फिंगर्स में ले लीजिए, इस तरह से इसको रब करना शुरू कर लीजिए फिश को। इसी तरह की फिश दूल्हा और या दुल्हन के दस्तर पे ये रखा जाता है, जब भी ये वेडिंग हो या डिनर हो तो ये स्पेशल दूल्हा दुल्हन के दस्तरखान पर होता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, इस तरह की छोटी सी छोटी बड़ी पार्टी हो या कुछ विशेष हो, चाहे स्पेशल किसी को अगर सरप्राइज़ करना हो, तो आप इस तरह की फिश बनाइएगा स्मोकी फ्लेवर, आप कभी भुला नहीं पाएंगे और आपके जो पार्टनर है वो बेहद खुश हो जाएंगे। तो देखिए सारी हम अंदर और बाहर और इसके कट्स में भी इसे अच्छे से भरेंगे, जितना हो सके आप उतना मसाला भरें ताकि फिश फीकी ना रहे। तो ये सारे कट्स में हम अच्छे से भर देंगे इसको इस तरह से, और लेंगे हम इस तरह से, हम सारी कोटिंग करते हुए इसे पूरे कट्स में भरते हुए अच्छी सी मसालेदार इसे कोटिंग कर देंगे पूरी। जितना मसाला ज़्यादा लगेगा उतनी टेस्टी ये स्मोकी फ्लेवर वाली फिश फ्राई होगी, जायका इतना ज़बरदस्त कि आप कभी भुला नहीं पाएंगे गाइस। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे आगे पीछे सारी फिश को हम इसे एकदम से अच्छी से मसाला भर देंगे इस तरह से। तो इसे पूरा रब कर देना है आपको, मसाले से पूरा इसे भर देना है इस तरह से। तो देख सकते हैं अब इसे हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, अगर सुबह रख देंगे तो शाम में, या शाम में रखें तो सुबह भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 1 घंटे तक रखी हूँ। अब इसे छोड़ दीजिए, मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। अब एक चाकू लेंगे हम जाली पर, इस तरह से इसे अच्छे से अंगार बना लेंगे इसका। तो ये अंगार बन चुकी है, अब इसमें एक हम लौंग डाल देंगे, थोड़ा सा तेल और लौंग डाल देंगे, इसको अच्छे से हम स्मोकी बना देंगे। ये धुनी देना है, इस तरह की धुनी दे दीजिए। तो देखिए ये अच्छे से हमने 10 मिनट इसे स्मोक कर लिया है, तो इतना फ्लेवर आ चुका था इसमें, मैं क्या बताऊँ गाइस।
स्मोकी फ्लेवर। अब एक प्याज काट लीजिए ताकि इसके साथ में जो हमें चखना हो है और ये इसके डाइजेस्ट का काम करेगा और ये गर्मी भी नहीं होगी आपको। इस तरह से इसका एक सैलड बनाते हैं हम प्याज का, इतना टेस्टी रहता है कि आप किसी भी स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ आपको, ये बेहद लजीज होता है फ़िश के साथ हो या चिकन के साथ या कोई भी स्नैक्स के साथ, इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो ये पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है बहुत सारे रेसिपीज में, मैंने बहुत सारे बार यही बनाकर देती हूँ बच्चों को ताकि उनकी पेट में ठंडक बना रहे। तो ये प्याज कट हो गई, अब हम पुदीने के पत्ते काट लेंगे। एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते हम इस तरह से बारीक चॉप कर लें, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। इसे अच्छे से धोकर थोड़ा सा ड्राई होने के बाद कट कर लीजिए गाइस। इसमें क्रक बहुत होती है यानी मिट्टी धूल बहुत होती है। अब ये है हरा धनिया, इसे भी हम एक मुट्ठी लेकर इस तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। तो इन सारे चीज़ों को हम इसी पैड पर आपको मैं बताती हूँ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हम प्याज को भी पूरे लच्छेदार बना लेते हैं। प्याज को भी हम खोल देंगे अच्छा सा इस तरह से। अब नींबू की बारी है, तो इसमें नींबू जाएगा और इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसके अंदर जो आपको बहुत दिलचस्प बनाने वाली है ये प्याज भी। तो एकदम मसालेदार प्याज बनकर रेडी होती हैं। आप नींबू इसमें निचोड़ लेंगे एक हिस्सा। तो देखिए इस तरह से प्याज में आप इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च एकदम फ्रेश लेना है इसके अंदर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम काली मिर्च भी डाल दिए हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर कर एक बाउल में निकाल लेंगे और हमारा चॉपिंग पैड को हम वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये प्याज एकदम मसालेदार, एकदम टेस्टी और एकदम फ्रेशनेस माउथ वाटरिंग बनकर रेडी हो गई हमारी ये प्याज जो अक्सर हम स्नैक्स के साथ लेते हैं। तो चलिए अब फिश की तरफ चलते हैं और इस पर हम इस तरह की डस्टिंग करेंगे। ये डस्टिंग किसकी है आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये डस्टिंग है कॉर्नफ्लावर, मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, आरारोट भी अगर है तो आप डाल सकते हैं। तो इसकी डस्टिंग हमें करना है, बस इसे लीपना नहीं है। और इसे अब फिर हम पलटा देंगे, दूसरी तरफ भी इसकी डस्टिंग कर लेंगे। एक स्पून में लीजिए, इस तरह से डस्टिंग कर लीजिए। तो इस तरह से हम थोड़ा सा हाथ से इसको सही कर लेते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो नो प्रॉब्लम। इस तरह से करने से आपकी फ़िश एकदम से मसालेदार बनेगी, इसका मसाला तेल में नहीं छूटेगा, यानी हमारा जो आटा काम करेगा वो मसाले को अच्छे से चिपका कर रखेगा, तो मसाला इधर उधर नहीं होगा। और इसको हम फ्राई करेंगे आयरन तवे पर, हमें पैन नहीं लेना है, नॉन स्टिक का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इस पे आयरन तवे का ही इस्तेमाल होता है, तभी ये स्मोकी और फ्लेवरफुल बनकर रेडी होती हैं। आपको महसूस नहीं हुआ तो एक तवा मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें मैंने पानी को थोड़ा सा बॉइल कर कर इसे फेंक दूंगी। इससे करने से क्या होगा, जो भी इसमें डस्टिंग हमने जो भी फ्राई करा था उसका फ्लेवर जाता है। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल अच्छा सा फुल हमने इसे हीट करना है यानी फुल गर्म करना है, इसे से पकाना है ऑयल को, मस्टर्ड ऑयल को, इसी में ही ये फ्राई होती है गाइस। तो अब इस पर हम देखिए इस तरह से फिश को इस पर बिछा देंगे। दो फिशेस मैंने बनाया है साबित वाली, तो दो फिशेस इस तरह से डालिए, आड़ी और खड़ी यानी ऐती पैती डालना है इस तरह से। ये ऐती पैती इसलिए डालना है कि दो भी फिशेस को अच्छा सा ऑयल भी मिले और ये अच्छे से फ्राई भी हो। तो देखिए इसे हम छोड़ देंगे, इसे हिलाना नहीं है, बस मैंने तेल इसके नीचे जाने के लिए इस तरह से करा है। अब ये दो मिनट के बाद मैं फ्राई करें, पूरे दो मिनट लगेंगे वन वन साइड फ्राई होने में। तो इसे भी पलटा देंगे हम इस तरह से। तो देखिए कितनी क्रिस्पी और मसालेदार बनकर रेडी हुए हैं, और कोई मसाला इसका छूटा भी नहीं है ऑयल में। और वही ऑयल को आप कौन सी भी सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस, और इसका मसाला भी अगर आपके पास बच जाता है कोटिंग के बाद तो उसे भी आप कोई भी सब्ज़ी में लगाकर बना सकते हैं। तो देखिए इसे भी हम दो मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो देख सकते हैं अलट पलट कर आपको बता रही हूँ मैं, ये दो तरफ भी सेम कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन फ्राई, एकदम से कड़क क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी सॉफ्ट बनकर ये रेडी हुई थी गाइस।
देखकर ही आपको पता चल रहा होगा ये कितनी टेस्टी बनकर रेडी हुई हैं। तो चलिए अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो ये बनकर रेडी हुई हैं, मैं स्टोव ऑफ कर दूंगी। चलिए तो देखिए, नींबू और प्याज से हमने इसे सजाना है इस तरह से, और इसके साथ मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक दे रही हूँ, और वो ड्रिंक है इतना आपको फ़ायदेमंद है, वो ड्रिंक है जलजीरा। ज़ीरा यानी ज़ीरा सोडा जो होता है हैदराबाद में ज़्यादा पिया जाता है, तो वही मैंने इसके साथ रखा है ताकि आपको ये खाने के बाद डाइजेस्ट भी इजी हो और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो देखिए, ये खाइए खिलाइए, कितना पसंद आ रहा है आपको, कितना खुशनुमा लग रहा है गाइस। तो गाइस, जिसके से भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड गुड कॉमेंट्स। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।